हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है दिवांश वेलावत। सामने जो बोर्ड है इस पे आप हिंदी और इंग्लिश में ईदगाह लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ये सामने मेरी गाड़ी है जो मैंने पार्क करी हुई है। यहाँ सफिशिएंट स्पेस है पार्किंग के लिए, बिकॉज़ ये जो है एक रेसिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है। पेट्स नॉट अलाउड बाय ऑर्डर ऑफ ASI, पार्क क्लोज्ड। खुलने का समय है सनराइज़ टू सनसेट, सुबह सूर्योदय से लेकर जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक का समय है इस पार्क में एंट्री करने के लिए। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो हर जगह ASI की हर जगह आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, ये ईदगाह का छोटा सा एक डिस्प्ले इंफॉर्मेशन बोर्ड है जहाँ पे ईदगाह से रिलेटेड जानकारी दी गई है कि यहाँ पे क्या कुछ है और इसका जो इतिहास जो है ये 600 से 700 वर्ष पुरानी जगह है। और ईदगाह जैसा कि हम जानते हैं जो मुसलमानों का इलाका होता है, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई जो ईद की जो नमाज अदा करते हैं, वो उस जगह को हम ईदगाह कहते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये बेसिकली बीच में एक पार्क सा है और पार्क के बीच में वहाँ से हमने एंट्री की थी, वो साड़ी गाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ पे ये दो जवान लड़के एक डेंजर कुत्ता लेके, डॉगी लेके बैठे हुए हैं। तो मैंने अंदर एंटर करते समय ना मैं थोड़ा घबरा गया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये काटेगा तो नहीं, अमेरिकन पिटबुल था। तो भाई अब डर लगता है मेरे को, इतना हैवी डॉग है उनका। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला नहीं काटेगा नहीं। फिर मैंने बोला चलो मैं आ रहा हूँ फिर अंदर। ये देखें आप, ये है बेसिकली ईदगाह की जो मेन दीवार है, और इसके सामने यहाँ पे मुस्लिम्स जो हमारे ब्रदर्स हैं वो नमाज अता करते हैं। ये अंदर की तरफ थोड़ा सा, तो अंदर खैर उसमें गंदगी सी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि एंगल चेंज किया जाए। तो ये आप जो सामने देख पा रहे हैं ये ईदगाह है। और अच्छी बात ये लगी मुझे कि इसका यूट्यूब पर सिर्फ एक ही लौता वीडियो है। ये दूसरा वीडियो जो है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी गंदगी खैर हम लोग मचा के रख देते हैं यहाँ पे। ये बैक साइड है और दूसरी तरफ जो है फ्रंट साइड है। ये क्या है, निखिल तूतन। ये प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जो है हर मॉन्यूमेंट में अपने नाम लिख के, पता नहीं इनको क्या खुशी मिलती है, इनको लगता होगा इनका प्रेम अमर हो गया। मॉन्यूमेंट्स बर्बाद कर देते हो यारो, ख़राब कर देते हो मॉन्यूमेंट की खूबसूरती, ख़राब कर देते हो अपने प्रेम को अमर करने के चक्कर में। खैर इससे कौन सा प्रेम अमर होता है किसी का। खैर हम वापस वीडियो पे आते हैं। देखें ग्रीनरी कितनी अच्छी खासी हरियाली है। तो दिल्ली में खैर ये तो आपको पता ही होगा, 20% ऑफ द दिल्ली, जो दिल्ली की 20% इलाका है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो दिल्ली में काफ़ी हरियाली ग्रीनरी है, ये आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं। अब इसके बारे में बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, ऐसी जगहों पर विज़िट करते हैं। अब हम तो हैं खैर क्रेज़ी एडिक्टिव ट्रैवलर्स, तो मैं तो छोटी छोटी चीज़ें खोद के निकालता हूँ गूगल मैप्स पर। मेरा बीवी के बाद जो सेकंड टाइम पास जो है मेरा, टाइम पास इन द सेंस कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ के साथ स्पेंड करता हूँ वो है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स खोल खोल के हम ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, इस पे चढ़ा जाएगा ज़रा। चलें इसका राइज देखें आप, मतलब जो वर्टिकल इसकी जो हाइट है देखें राइज, बापरे इस पे तो पैर रखने में ही डेंजर है। शायद पता नहीं वीडियो में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है। चलें ऊपर चला जाए ज़रा, ऊपर चल के खैर बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है बट फिर भी जितनी भी हाइट है थोड़ा सा एक नज़ारा देखें। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बड़े कमाल के होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, अगर आपको उनका इतिहास मालूम हो ना तो उस चीज़ को देखने की दिलचस्पी आपके अंदर दुगनी तिगनी चुगनी न जाने कितनी गिनी 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 हो जाती है। ये सामने रेजिडेंशियल एरिया है, रहने के इलाका है रहने वाले लोगों का, और अच्छी जगह है। यहाँ पे साइलेंट है बिल्कुल, कोई नहीं आता, कोई भी बंदा नहीं दिखेगा आपको, एक दो लोग जो आसपास के। ये मैं एक बस जाते हुए एक छोटा सा और शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।